हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ डिजिटेल्स, जहां पे हम बजट की बात कर रहे हैं। अपकमिंग बजट आ रहा है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, और उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एज अ कॉमन मैन व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन दिस बजट। इसके लिए हमारे साथ आज इस शो में शामिल हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बजट भी प्रेजेंट कर चुके हैं, और ही इज ऑल्सो बीन एन एडवाइजर टू द पीएम इन द पीएमएलएन गवर्नमेंट on the matters of finance, फिर investment के advisor भी रह चुके हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Thank you very much. Very good. सबसे पहला सवाल ये है कि revenue target हर साल set होता है पाकिस्तान का, 74 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हर साल set होता है लेकिन हर साल revise होता है, इसकी क्या वजह है कि हम revenue target सही set कर नहीं पाते, हमारे पास forecasting नहीं है? Forecasting भी नहीं है बहुत precise, ये गेज करना कि इकोनॉमी कितनी चलेगी और उसमें से कितना रेवेन्यू आएगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। फाइनेंस मिनिस्टर्स लाइक टू गिव नॉट एन ईजी टारगेट, अ डिफिकल्ट टारगेट टू अचीव, फिर 4-6 महीने जब हो जाते हैं तो उसके बाद वी सॉर्ट ऑफ यू नो रिवाइज आवर एक्सपेक्टेशंस के ये कुछ ज़्यादा कह देते हैं। एंड देन क्योंकि हमारा डेफिसिट इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि उस वक्त शर्म आ रही होती है इतना डेफिसिट प्रोजेक्ट करते हुए, तो लोग टारगेट एनहांस करके रखते हैं। लेकिन अमूमन जो है वो यू नो अबाउट 1% ऑफ जीडीपी से रिवाइज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो बेसिकली एक चीज चली चली आ रही है, उसी को सिंपल तरीके से रिवाइज कर देते हैं बस। ये पहली मर्तबा हुआ पिछले साल टीआई के साल में कि जहां हम 5500 अरब रुपए बोल रहे थे और 3900 पे पहुंचे हैं, वरना ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पर 4500 अरब बोलते हैं तो 42 पे पहुंच जाते हैं, यू नो रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन ये वो लास्ट टाइम वो शबर जैदी साहब शायद नहीं समझते थे कि कितनी मुश्किल होती है, तो उन्होंने ये टारगेट कर लिया था। अदरवाइज इतने मतलब रिवीजन होती है, 1% ऑफ जीडीपी हो जाती है, 200-300 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होती। तो 1% जीडीपी रिवाइज करना मुनासिब है, लेकिन उससे ज्यादा जो इसका मतलब फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमी की। मुनासिब तो चले शायद कोई भी नहीं है, लेकिन चलो इतना तो ये होता है कि आप थोड़ा सा आप जो है वो एक मुश्किल टारगेट देते हैं अपने अफसरान को, और जाहिर है कि यू डोंट वांट के अंडर टारगेट दिया जाए, लेकिन इतनी प्रिसिशन किसी के पास नहीं होती, हमारे पास तो नहीं होती है। लेकिन जैसे इस वक्त मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जो थी वो तकरीबन बैंकरप्सीज पे जाएंगी। कैलिफोर्निया जो है वो 15 बिलियन डॉलर का डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रही थी, अब 50 बिलियन का सरप्लस हो गया क्योंकि स्टॉक मार्केट चल गई तो इनकम टैक्स ज्यादा मिल गया उनको। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो इफ यू आर लुकिंग एट द रेवेन्यू साइड, और अगर आप ये देख रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन के काफी तरीके हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज एंड सो ऑन, क्या टैक्स रेट बढ़ाना, टैक्स बेस बढ़ाना बेहतर है, या फोकस करना कि जहां से टैक्स लॉसेस हो रहे हैं, जैसे इलिसिट ट्रेड है, स्मगल चीजें आती हैं, चीजों की इनपुट कैलकुलेट नहीं होती है, क्या ये जो आसान एरियाज हैं इन पे फोकस नहीं किया जाए? सिगरेट इंडस्ट्री कोट करती है 77 बिलियन हमारी जो है लॉस होती है, क्या ये इस लॉस पे फोकस नहीं करना चाहिए rather than going after increasing the tax base? Tax base और tax rate में दो में फर्क है। Tax base बढ़ाना is focusing on tax loss, मतलब अगर मिसाल के तौर पे आपने 15% 17% सेल टैक्स रखा हुआ है या कोई एक्साइज ड्यूटी रखी हुई है, और सिगरेट की अगर एग्जांपल है तो दो कंपनियां हैं पाकिस्तान टोबैको एंड फिलिप मॉरिस, हाँ एक ब्रिटिश अमेरिकन एक फिलिप मॉरिस है जो पहले लेक्सन टोबैको, इन दो से आप टैक्स लेते हैं और बाकी कई कंपनीज फाटा के अंदर हैं जो टैक्स नहीं देती हैं, सिगरेट के ऊपर नहीं देते, ठीक है, सिगरेट के ऊपर बहुत टैक्स है, मतलब मेरा ख्याल है 100 रुपए का पैकेट होता होगा उसमें 50 रुपए शायद टैक्स होता है, समथिंग लाइक दैट। और उसमें मिनिमम प्राइस भी सेट होती है कि इससे कम में बेचना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी बिक रहे होते हैं वो, जी वो क्योंकि वो टैक्स कैटेगरीज होती है कि 2 और 3 के, दो या तीन कैटेगरी के, लोअर सिगरेट पे हम 5 रुपए फी सिगरेट टैक्स लेंगे और महंगी सिगरेट पर 10 रुपए फी सिगरेट टैक्स लेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब उसमें ये होता है कि ये कंपनीज फाटा के अंदर हैं, ये पूरी स्मगल पे रिलाई करती है, स्मगलिंग पे रिलाई करती है। आप जो ट्रैक एंड ट्रेस की भी बात कर रहे थे हमारे इंटरव्यू से पहले, तो वो भी आप जो है बेसिकली यू कैन ओनली ट्रैक एंड ट्रेस दीज टू कंपनीज, यू नो फिलिप मॉरिस, यू नो Pakistan Tobacco. The others are not track and traceable. Then they also have some influence because a lot of these senators own these factories, and these people
buy into a Senate seat to have this kind of influence. हमने जो एक चीज तो मिसाल के तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस आप कह रहे हैं कि वो इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा ऑन द कंपनीज दैट आर नॉट पेइंग इट. मेरे देखें दो तीन मसाइल हैं और दो तीन इसके हल भी हैं. एक तो ये कि एक टोबैको लेवी होती है जो मार्केट में होती है, तो टोबैको सबको खरीदना होता है. अगर वो प्रोग्रेसिवली लेवी बढ़ा देना तो फिर इसका मतलब है कि आप टैक्स यहाँ से कम कर दें, वहाँ से लेवी बढ़ा दें, तो ये होगा कि आपने सबसे टैक्स ले लिया होगा क्योंकि आपने तंबाकू के ऊपर ही टैक्स ले लिया है, सिगरेट ही तंबाकू से बनती है. पेपर आपका जो है ये इम्पोर्ट होता है. अब पेपर ऊपर होता है तो आप पेपर के ऊपर टैक्स बढ़ा लें क्योंकि ये कोई भी कंपनी हो, मतलब ये फिलिप मॉरिस हो या कोई बाड़े में लगी लोकल कंपनी, तो दोनों ने वो खरीदना है, पेपर खरीदना है, इम्पोर्ट करना है, तो आप उसके ऊपर बढ़ा लें. अब मसला ये होता है, देखिए एफबीआर को भी ये चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन मसला ये होता है एफबीआर के साथ कि फिर अगर आप ज़्यादा ये मिसाल के तौर पर कागज़ के ऊपर ड्यूटी बढ़ाएंगे तो अफगान ट्रांजिट के अंदर स्मगल होकर आना शुरू हो जाएगा. ऐसे इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा लेवी तंबाकू के ऊपर बढ़ाएंगे तो शायद तंबाकू के अंदर भी वो लेवी के अंदर जो है वो चोरी करना पड़ेगा. तो पाकिस्तानी एफबीआर के पास बड़ी बड़ी नैरो स्पेस होती है जिसमें काम करना होता है कि थोड़ा सा आप वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया तो यहाँ से पीछे से स्मगलिंग शुरू हो गई, थोड़ा सा आपने यहाँ से कुछ गड़बड़ कर दी. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगेन कि छालिया जो थी, हम चाहते कि छालिया जो है थोड़ी कम आए, और थोड़ी सी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, मैं समझता था कि छालिया इंडिया से आ रही है, थोड़ी आती थी इंडोनेशिया से, तो मैं थोड़ा सा हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्लस था, तो मैंने कहा यार थोड़ा छालिया वालों को थोड़ा सा थोड़ी सी वो कर लो, थोड़ा रिक्वायरमेंट कर लो, कुछ टेस्टिंग मेस्टिंग के अंदर हमने डाल दिया. अब जब टेस्टिंग डाल दी उस वक्त हमको ये नहीं था, उस वक्त हम थोड़ी सी एक्सपोर्ट डिले कर रहे थे, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं. तो उसके बाद निकल के आया उसमें एफ्रोटेक्सिन, एक टॉक्सिक केमिकल निकल के आया, बेटा यहीं खड़े रहो, उसमें केमिकल निकल के आया. अब जब वो केमिकल निकल के आया, केमिकल निकल के आया तो जाहिर है फिर हम हेल्थ फूड मिनिस्ट्री वाले ने उनको रोक लिया. अब वो छालिया वाले लॉबी करते रहे कि भाई आप थोड़ा सा ड्यूटी ज्यादा ले लो, लेकिन छालिया तो आने दो. लेकिन मैं बोलूं भाई इसके अंदर ये टॉक्सिक टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ये मैं कैसे छोड़ दूं. ठीक है, फॉर्मर सेक्रेटरी भी यही बोलता है, फूड सेक्रेटरी भी बोलता है कि सर किस तरह छोड़ सकते हैं. हुकूमत ने यहाँ पे पकड़ा रहा पीछे से, अफगान ट्रेड के थ्रू यू नो या क्वेटा के बॉर्डर के थ्रू आना शुरू हो गई. तो हमारे मोर देन अदर कंट्रीज, हमारे टैक्स अथॉरिटीज के पास बड़ा नैरो विंडो होता है जिसमें काम करना है. थोड़ा सा आपने कुछ स्टेप लिया तो पीछे से जो है वो स्मगलिंग शुरू हो जाती है. तो ये एक मसाइल है हमारे एफबीआर के लिए. और यही क्या मसला जो ट्रैक एंड ट्रेस का है, यही जो है फॉर एग्जांपल आपकी कन्फेक्शनरी बिजनेस है, यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है क्योंकि वहां भी इनपुट आउटपुट टैक्सेस अगर आप ना दें तो आपका कंपेटिटर आपसे कम प्राइस में होगा मार्केट में, तो वो भी इस तरह से प्रमोट हो रहा है. बिल्कुल, देखें उसमें भी ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रैक एंड ट्रेस महंगा पड़ जाता है क्योंकि स्टिकर भी एक दो कंपनियों के हैं. एक कंपनी मेरे ख्याल से ट्रैक एंड ट्रेस है, खुद सिगरेट की कंपनी थी, तो वो अब जिस जिसको रेगुलेट कर रहे हैं उससे तो रेगुलेशन की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए मेरे ख्याल से. आई डोंट नो कि क्या उसका सारा असरात होंगे. कन्फेक्शनरी के अंदर जो है ना इतना मुश्किल नहीं है अगर ईमानदारी से लोग ये काम करने चाहें. देखिए अगेन सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम वहीं आ गई. इसकी वजह ये है नहीं, मतलब तो इंटेलिजेंस अगर काम, मिसाल के तौर पर हर कंपनी को चीनी खरीदनी होती है. बिल्कुल. अच्छा, हर कंपनी को चीनी से ज्यादा ग्लूकोज खरीदना होता है. अब अगर आप ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज दो तीन कंपनियां पाकिस्तान में बेचती हैं, वो सेल टैक्स बगैर नहीं बेचती हैं, तो आपके पास ग्लूकोज खरीदने के लिए सेल टैक्स का बिल लेना जरूरी है. अब जब आपको पता चल गई, जब हुकूमत वाले को ये पता चल गई कि ग्लूकोज कितना आ रहा है, तो उसको ये पता चल जानी चाहिए कि इसने कैंडी कितनी बनाई, बबल गम कितनी बनाई. ठीक है, बिल्कुल सही है, 100% तो नहीं लेकिन उसको एक अंदाजा हो जाना चाहिए. फिर आपके पास बिजली के बिल है या बिजली नहीं आप बनाते, खुद बनाते, तो गैस के बिल है, वो मेरा गैस का बिल कोई देख के बोल सकता है कि यार अगर तुम 10 करोड़ रुपए की गैस लेते हो तो तुम 6 करोड़ रुपए की कैंडी तो नहीं बनाते हो, 10 करोड़ रुपए की गैस ले रहे हो तो तुम 100 करोड़ रुपए की कैंडी बना रहे हो या 200 करोड़ रुपए की कैंडी. ठीक है, इस तरह बिजली के बिल है. अब मुझे एक पता है कि एक कंपनी जो थी उसने गैस भी चोरी करी हुई थी और बिजली भी चोरी करी थी. कंपनी हमारी इंडस्ट्री के अंदर है जो पूरी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज्यादा ये टैक्स में चोरी करते हैं, तो उसकी वजह से बाकी लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है. तो वो अनकंपेटिटिव कर देते हैं ना वो, तो आप लोगों को, तो आप लोगों के सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. तो ये कैसे चलता है निजाम, कि वो चल रहा है अभी भी निजाम पैरेलल में? देखिए हमेशा से ये होता है कि एक आध दो चार छह प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं और दो चार छह आठ प्लेयर जो होते हैं वो थोड़ा सा छटका मारते हैं.
लेकिन जो झटका मारता है और जो ऐसा होता है कि अगर जो 100 रुपए का सेल टैक्स बचाता है वो 100 रुपए का सेल टैक्स घर पे नहीं लेके जा रहा होता, उसको पास ऑन कर रहा होता है, उसमें से 80 रुपए वो मार्केट में पास ऑन कर रहा होता है, राइट ठीक है, तो उसको भी सेल टैक्स का पूरा नफा नहीं होता चोरी का। अच्छा अब दूसरा ये कि क्योंकि FBR ने ओवर द ईयर्स एक बड़ा जाल बिछा दिया है कि आप चीज लेंगे तो आपको सेल टैक्स देना है, ग्लूकोज लेंगे तो सेल टैक्स देना है, फ्लेवर्स लेंगे, कलर्स लेंगे, रैपर्स लेंगे, बिल्कुल, जो आदमी चोरी भी करता है ना वो 100% चोरी नहीं कर सकता, वो उसमें से 1/3 2/3 करता, बिजली ये वो तो सेल टैक्स लगता ही है, तो इतनी लंबी चोरी का इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बिजली चोरी कर ले वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ मच बिगर इम्पैक्ट। सो आई थिंक बट द थिंग इज कि बिजली के बिल, गैस के बिल, इनसे बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है। यहाँ पे ये भी होता है ना कि स्पेशलाइजेशन नहीं होती। अब जो साहब मिसाल के तौर पर मेरी वो करने आ रहे हैं, जो ऑडिट करने आ रहे हैं, का भी कर रहे हैं, उसको एक दिन आपने या 4 दिन दिए हुए कि 4 दिन में तुम कैंडीलैंड का ऑडिट भी करो, फिर तुम यू नो अगले 4 दिन के अंदर तुम अलकरम टेक्सटाइल का भी ऑडिट करो, अगले 4 दिन शुगर मिल का ऑडिट करो, फिर किसी सिगरेट का ऑडिट करो, उसके पास इतना वक्त नहीं होता और ना उसके पास उस चीज की एक्सपर्टीज होती है मेरे ख्याल से, मिसाल के तौर पर, क्योंकि हम एरिया वाइज करते हैं कि भाई कराची का एक ऑडिटर है, एक हब का ऑडिटर है, एक लाहौर का ऑडिटर है, अब एक लाहौर के अंदर कन्फेक्शनरी की फैक्ट्री है, एक कराची में कन्फेक्शनरी की फैक्ट्री है, एक हैदराबाद में, एक फैसलाबाद में, एक मुल्तान में, मिसाल के तौर पर, अब अगर एक ही आदमी कर रहा हो ना उन 6 फैक्ट्रियों में मिसाल के तौर पर, तो उसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। अब ये करना मुश्किल होता है क्योंकि वो बेस अगर इस्लामाबाद में या बेस कराची में या लाहौर में तो कैसे करेगा, लेकिन अगर एक आपका ग्रुप हो कि कन्फेक्शनरी ग्रुप हो या बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी ग्रुप हो, एक टेक्सटाइल ग्रुप, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, तरह से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं। या उससे भी अच्छा तरीका ये है, एक्चुअली मैं तो नहीं समझता कि ऑडिट का इतना फायदा होता है, सच्ची बात है ऑडिट का मेरे ख्याल से नुकसान होता है कि बहुत ये हमारे यहाँ तो तकरीबन मेरी कंपनी का तो हर साल ही ऑडिट होता है, ठीक है, मतलब कोई डेस्क ऑडिट हो जाता है रैंडम ऑडिट के अलावा भी, लेकिन ख्याल है कि कुछ बेसिस के ऊपर वो, लेकिन वो लोग स्टे ऑर्डर ले आते हैं, लेकिन हमको रैंडम ही करना पड़ता है FBR को ऑडिट, लेकिन अगर आप स्टे ऑर्डर वो अपने ऑडिट करें, कम कंपनियों में करें, लेकिन सच्ची बात ये कि आप बाहर की कंपनियों से करवा लें, बाहर से मेरा प्राइवेट सेक्टर की अकाउंटिंग फर्म से करवा लेना, वो अकाउंटेंसी फर्म अपने पार्टनर्स नहीं भेजते, वो बच्चे भेजते हैं जो कि आर्टिकल होते हैं, वो बच्चे बड़े होशियार होते हैं, दे वांट टू लर्न, सो दे रियली डू एन इन डेप्थ थिंग, तो या कम से कम अगर हुकूमत से करवाना है तो हुकूमत के साथ उनको जबरदस्ती डालें, as a private public partnership ले लें इस प्रोजेक्ट को, people who are learning, people who are learning to be chartered accountants, they are far more interested and they are far better in this than people who you know who have to do so many things, मतलब you know कि आज इसका करना है, कल उसका करना है, कल coal mine का करना है, परसों आपने you know मतलब you know किसी farm का कर रहे हैं, मतलब it's very difficult to manage this. इसमें मैं दोबारा ट्रैक एंड ट्रेस पे आता हूँ, इट सीम्स लाइक इट्स सैबोटेज किया जाता है सिस्टम को, कि पहली जून से इंप्लीमेंट होना था, फिर सिंध हाई कोर्ट से इसमें स्टे हो गया है, मतलब डू यू थिंक कि आपने एक लॉबी का एक आइडिया मेंशन किया था, क्या यहाँ पे भी कोई लॉबी चल रही है जो ये प्रिवेंट कर रही है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएं? हो सकता है, मतलब जाहिर है कि सब लोगों के इंटरेस्ट में नहीं हो किसी, और हो सकता है कि जेन्युइन रीजंस भी हो, मतलब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया है, हमारी कोर्ट्स ऑफ कोर्स थोड़ी सी, एक जमाना था आज से 15-20 साल पहले, वेरी रिलक्टेंट टू गिव स्टे ऑर्डर इन रेवेन्यू मैटर्स, और अब भी मेरे ख्याल से पिछले चीफ जस्टिस साहब का सिर्फ में ऑर्डर था कि रेवेन्यू मैटर्स के जो स्टे ऑर्डर है वो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे, तो अगर शायद ये 6 महीने में एक्सपायर भी हो जाए, बट मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, सच्ची बात है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। इसमें आई स्विच गियर्स, अब एक आजकल बड़ी एक हेडलाइन फ्रंट की जा रही है कि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है, करंट अकाउंट सरप्लस में है पहली दफा इन हालात के बावजूद, और इस यू नो इस बात को मार्केट किया जा रहा है, लेकिन इशू ये है कि ग्रास रूट्स लेवल पे आटा, चीनी, दाल, इन सब की तो प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तो जो अवाम है, व्हाई इज अ करंट अकाउंट सरप्लस रेलेवेंट टू द अवाम, क्योंकि उनकी लाइफ में तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है इससे, डे टू डे इम्पैक्ट तो वो आटा चीनी दाल से आ रहा है। पहले तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ कपल ऑफ, बिकॉज़ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, और करंट अकाउंट डेफिसिट इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि पीटीआई ने एक ही जगह ये करा है, और हमारा एक वीकनेस थी इधर हमारी मईशत के अंदर, बिल्कुल वीकनेस थी, तो वो सारे जितने भी पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इसको कोई समझ नहीं हो इकोनॉमिक्स की, बस वो समझ करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल ठीक है,
I mean, if you look at China, you look at US, you know, you don't look at current account deficit, you look at the GDP growth, you look at the inflation. GDP per capita देख लेते हैं आप, बिल्कुल. 1917 के अंदर, 2017 में मिसाल के तौर पर, इंग्लैंड का करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एब्सोल्यूट वैल्यू में तो बहुत बड़ा होगा, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज बिगर देन पाकिस्तान. ठीक है, फिर तो यू नो टर्की का भी हुआ है, इसमें कोई इतनी वो इतनी बड़ी बात नहीं है. पहले समझें कि डेफिसिट क्या होता है. एक तो होता है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो आमदन लेती है और जो खर्च करती है उसका फर्क या उसका खसारा. तो हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर 5.7% ऑफ जीडीपी एवरेज 5 साल में मुस्लिम लीग नून का था और इनका 8.6% है. अगर पैसों में देखें तो शायद हमारा 1600 अरब रुपया हर साल हमारा खसारा होता था और पीटीआई का 3200-3300 अरब रुपये हर साल खसारा है. थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डबल से ज्यादा हमसे खसारा कर रहे हैं बजट. लेकिन इसमें डिवैल्यूएशन को भी अगर आप शामिल करें तो डबल से कम. डिवैल्यूएशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बजट का खसारा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू टेकिंग इन एंड द एक्सपेंसेस. ठीक है, टू विद द बजट डिवैल्यूएशन. ठीक है, फिर आ गए हम वो करेंसी डिवैल्यूएशन से जो डेट बढ़ी है उसमें डिवैल्यूएशन का फर्क आता है. उसमें भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम छोड़ के गए थे तो 26-27% जो हमारी डेट थी वो डॉलर बेस्ड थी और बाकी 77% डेट थी वो रुपया बेस्ड थी. तो 77% डेट को तो कोई रुपए का फर्क नहीं आएगा. वो 25% डेट जो 70 बिलियन डॉलर की हम डेट छोड़ के गए थे उसी पे फर्क आएगा ना. तो उस पे अगर आप और उस पे 122 से 150 30 रुपए का फर्क आ गया तो 2100 अरब रुपए हो गया, उससे ज्यादा नहीं. तो जो डिवैल्यूएशन फर्क है 2100 अरब रुपए, बाकी तो डॉलर इन्होंने महंगा ही बोरो किया है. तो वो भी एक आर्ग्यूमेंट है. ये आम जो पीटीआई का जो बच्चा कर रहा होता है उसको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ लेकिन शायद वज़राओं को समझ में आती है, लेकिन वो भी जल्दी चेंज हो जाते हैं कि उनको ये शायद तो नहीं आता, यू नो. तो लेकिन वो 2100 अरब रुपए है. अच्छा, अब वापस आइए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है. एक तो आपका ट्रेड इम्बेलेंस होता है कि एक्सपोर्ट कितना किया और इम्पोर्ट कितना किया था. वो 3 अरब डॉलर का हमारे जमाने में था, आजकल भी 3 अरब डॉलर का है. बीच में इन्होंने इम्पोर्ट एकदम रोक दिया था, इम्पोर्ट जरा सा खुला है तो वो भी 3 अरब डॉलर का. तो ट्रेड इम्बेलेंस का वही मसला है. और जो एक्सपोर्ट हम जहाँ पे लेके गए थे उससे एक पैसा भी एक्सपोर्ट पीटीआई ने नहीं बढ़ाया है. जो 17-18 में मुस्लिम लीग नून ने एक्सपोर्ट अचीव किया था उससे अगले साल पीटीआई ने 30% करने के बाद भी उससे कम एक्सपोर्ट किया. फिर उसके अगले साल कोविड का एक्सक्यूज मिल गया. इस साल जो है वो शायद हमारे बराबर करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर गए तो 200 मिलियन डॉलर से जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है, 1-2% चले गए. सो दैट्स एक्सपोर्ट स्टोरी. इम्पोर्ट कम हो गया था, अब इम्पोर्ट बढ़ रहा है. जहाँ पे पीटीआई ने फर्क करा है जिसकी वजह से फायदा हुआ है मुल्क को, वो रेमिटेंस में हुआ है. क्योंकि योर बैलेंस योर करंट अकाउंट बैलेंस इज एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंस माइनस इम्पोर्ट्स प्लस इग्नोर कर दें. ठीक है, सो रेमिटेंस बढ़ गई है. और रेमिटेंस क्यों बढ़ी है कि कराची से मिसाल के तौर पे एक जमाने में 7 और फिर 6 फ्लाइटें रोड्स की एमिरेट्स की जाती थी, बड़े जहाज की, राइट, 400-300 पैसेंजर की जहाज की फ्लाइट 6 जाती थी. लाहौर से 2 जाती थी, इस्लामाबाद से 2 जाती थी, मुल्तान से, सियालकोट से, बड़ी जगहों से जाती थी. या शारजा की एयरलाइन एक थी, पता नहीं कौन सी, दुबई एयर अरेबिया, पता नहीं क्या क्या जाती थी. और तो हजारों लोग, लाखों लोग दुबई जाते थे, 22 लाख लोग उमरे पे जाते थे. उसके अलावा हज की सादत और लोग मजीद इस्तेमाल करते थे, फिर यूरोप की सादत भी इस्तेमाल करते थे जाने के लिए. ठीक है, अब वो सारा पाकिस्तानी जो जब जाता था यहाँ से, तो यहाँ से $2000 जेब में लेके जाता था और वहां पर जाके अपने कजन से पैसे ले लेता था, यार $5000 नहीं मैं, वो आके उसकी अम्मा को जब दे देता था. अब वो $5000 जो नहीं जा रहा ना कजन, तो वो खर्च नहीं कर रहा, तो वो $5000 जो उसको अपनी माँ को भेजने थे वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से रेमिटेंस बढ़ा. और हमारा अकेले का नहीं बढ़ा, ये रेमिटेंस बढ़ा है, बांग्लादेश का भी बढ़ गया, साउथ एशिया के अंदर दूसरी दीगर मामले. ये तो अनसस्टेनेबल नहीं है ना, ये तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा. जब तक कोविड चल रहा है तो चलेगा. वो पीटीआई इसका क्रेडिट ले रही है. जैसे देखिए, जहाँ पे कोविड की वजह से एक्सपोर्ट कम हुई तो पीटीआई बोलते देखो नहीं हमारा कसूर नहीं है, कोविड है. लेकिन जहाँ पे कोविड की वजह से फायदा हो रही है वहाँ पे पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. वो कोविड की बात नहीं कर रहे, ये टेम्पररी है. ठीक है, वो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मुर्गा अजान देता है ना, उसके बाद सूरज निकलता है तो मुर्गा समझता है कि मेरी अजान दे तो होती है, अजान दे या ना दे. ठीक है,
ये पीटीआई का कहना क्या, हमने रेमिटेंस दिखाया, मुर्गे को कहना कि मेरी वजह से सूरज निकला, ठीक है भाई तेरी वजह से सूरज निकला, मुर्गा है खुश कर दो। तो लेकिन ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर आप देखें लास्ट 12 मंथ्स के अंदर जो लेट्स से थोड़ी बहुत कहते हैं बेहतरी आई, सरप्लस हुआ, ये तो दीज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ डिसीजंस टेकन बाय अ डिपार्टमेंट, इट इज फंक्शन ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस। सिचुएशन ऐसी थी तो ये हो गया, तो अगर सिचुएशन नहीं होती ये तो क्या होता हमारे साथ। देखिए मसला पाकिस्तान में ये है, एंड इट्स नॉट जस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट का एक मसला है, जो भी मसला है, मसला तो पाकिस्तान में फंड, एंड इट इज नथिंग टू इवन विद करेंसी डिवैल्यूएशन। मसला पाकिस्तान में ये है कि जब भी हमारी 5-6% ग्रोथ होती है तो हमारी ग्रोथ बढ़ रही होती है लेकिन हमारा इम्पोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, हमारा इम्पोर्ट तेजी से बढ़ रहा होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत इनइलास्टिक भी है और एज प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड नीचे जा रहे हैं। पहले अगर हम दुनिया के ट्रेड के मुताबिक 0.18% एक्सपोर्ट करते थे तो आज दुनिया के ट्रेड का 0.12% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम दुनिया के ट्रेड में हमारा हिस्सा कम होता जा रहा है। 1950 ये नंबर कोट नहीं होता है इतने रेगुलरली कभी भी, ये तो हम तो होल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स देखते हैं कि देखें हमने कितने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लिए 12 महीने में, एज अ प्रोपोर्शन दुनिया के ट्रेड का हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। ये पीटीआई का कसूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग का कसूर नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर 30 साल से होता जा रहा है। ठीक, 1952 के अंदर हमारा वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा जो था वो तकरीबन मतलब कोरिया के बराबर था, 1990 में हमारा वियतनाम के बराबर था, आज वियतनाम का 100 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हमारा 25 बिलियन का एक्सपोर्ट है। ये इस पर हर बात को क्रिमिनलाइज कर देना कि नहीं तुम लोग चोर हो इसलिए एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, बिजली इसलिए महंगी कि तुम चोर हो, आटा इसलिए महंगा कि तुम चोर, अब दिस इज ऑल कम बैक टू हॉन्ट देम कि भाई हर चीज तुम्हारे यहाँ ज्यादा महंगाई हो रही है। लेकिन जो एक फंडामेंटल मसला जो है ना, जो आप नहीं सुलझा पाए और पीटीआई भी नहीं सुलझा पाई, अगर ये ग्रोथ करते हैं, अल्लाह करे ग्रोथ करें, और अगर ये ग्रोथ करें तो वापस करंट अकाउंट डेफिसिट विल रेयर इज दैट, वो जो फंडामेंटल जो इक्वेशन थी ना कि एक्सपोर्ट को रोबस्ट करना या एक्सपोर्ट को वाइड स्प्रेड करना, वो नहीं हुई है, और इम्पोर्ट से दूर जाके ग्रोथ करना ये पॉसिबल नहीं हुआ है। पाकिस्तान में जब भी ग्रोथ हुई है वो हम ग्रोथ शौकत अजीज के ज़माने में, हमारे ज़माने में, तो वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए हैं, और इस बार तो पीटीआई ने आके एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ये रिसेशन ला के, लेकिन ये एक मसला है, वो मसले को हम कहीं एड्रेस नहीं कर सकें, वो एक पार्टी की बात नहीं है, वो सबको बैठ के सर जोड़ के उसको एड्रेस करना है। इस ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट रखना एक रिक्वायरमेंट होगी। देखिए जो इंटरेस्ट रेट पीटीआई ने बढ़ाया था 13%, या जो डिवैल्यू करा था, वो मैं एग्जांपल देता हूँ पैनाडॉल का, अगर आपके सर में दर्द है और आपको 2 पैनाडॉल खाने तो खा लें, सदर शौक खा लें, आपको लग रहा था कि 6.25% इंटरेस्ट कम था मुस्लिम लीग नून का और इससे आपको लग रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा या इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओगे तो रुपया टूट जाएगा, तो अगर आपको बढ़ा लो 6.25 से 7.5 कर लो, 8 कर लो, 6.25 से 13 करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब आपने 2 पैनाडॉल खा लो यार, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो 3 पैनाडॉल खा लो, मतलब 32 पैनाडॉल खाने हो तो ठीक नहीं हो जाओ, पूरा डब्बा खा लिया ऐसा लगता है। ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने करेंसी एक डिवेल्यूशन के अंदर, मैंने 2 मरतबा करेंसी डिवेल्यूशन की थी 5-5%, ठीक है, इन्होंने, और उससे पहले डार साहब ने बड़े इंसेंटिव कर दिए थे, दे दिए थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है हमारे साल में, आखिरी साल के अंदर 13% बढ़ा है, लेकिन इम्पोर्ट स्लो नहीं रहा था, हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे कि इम्पोर्ट स्लो नहीं हो रहा था, तो हमने करेंसी 2 मरतबा डिवैल्यू करके भी देख ली। अब ये आया इन्होंने जाके 30-35% करेंसी डिवैल्यू कर, कभी नीचे आते थे ऊपर आते थे, 140 पे गए, फिर 128 पे आए, फिर 140 पे गए, फिर 60 पे गए, 68 पे गए, वो हॉट मनी के चक्कर में कि वो मॉर्गन स्टैनले को खराब ना लग जाए, उनको अच्छे पैसे मिल रहे हों, उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना था, जो भी इनका मसला था, और उससे 2 अरब रुपए का नुकसान भी मुल्क हुआ। लेकिन क्या आज करेंसी मैं डबल कर देता हूँ, तो मिसाल के तौर पे कन्फेक्शनरी का एक्सपोर्ट है, आज कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री लगी है पता नहीं, यू नो लेस से 500 टन कन्फेक्शनरी हम बना सकते हैं, आज हम अगर डबल कर देते हैं करेंसी को, हाफ कर देते हैं हमारी, तो क्या कल हम बनाते तो 500 टन ही है ना, उसमें से 400 टन डोमेस्टिक मार्केट की है, 100 टन एक्सपोर्ट कर लेते हैं, बहुत मर जाएंगे तो 100 टन एक्सपोर्ट कर लेंगे। यू नो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स नेटवर्क, इट टेक्स प्रोसेसेस, एक नया एक्सपोर्ट को बायर को एक्सपोर्ट करना वक्त लगता है, ये चीज तो ये चीजें ये भाई लोग समझे नहीं, इन्होंने खट करके, क्योंकि वो नून का एक था कि जो नून ने करा उसका उलट करो, तो एक बहुत ज्यादा रैपिड डिवैल्यूएशन भी कर दिया,
बहुत ज्यादा रैपिड इंटरेस्ट रेट भी पड़ दिया, ये दोनों चीजें करी तो इकोनॉमी टेल स्पिन में चले गए, एकदम इकोनॉमी बैठ गई। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, जो इनको ये बात थोड़ा समझ आती है, उन्होंने कहा नहीं सत्यानाश निकाल दिया, लेकिन ये इनके वर्ड्स हैं जो टीवी पे इन्होंने कहा। अब जब इन्होंने इकोनॉमी का मतलब IMF ने जो कुछ कहा उससे प्लस प्लस मान लिया, मतलब कोई तो अपने तो कोई चीज रखे ना, वो निगोशिएट करने के लिए बोलते हैं 13 कर दो, तो आप कम से कम 7 बोलते, कोई 8-9 पे निगोशिएट होता, आपने कहा जी 13 नहीं 13.25 करेंगे, यू नो मतलब आपने कहा नहीं आप वो 130 कह रहे नहीं, हमने 160 करना है, मतलब तो स्ट्रेटजी गलत थी, मतलब वो इतना बढ़ाना ही नहीं चाहिए था, मतलब उनको करीब ही रखना चाहिए था इंक्रीमेंटल। यूएस के अंदर कभी भी आई थिंक 5.5% का जंप तो नहीं आया होगा, इंक्रीमेंटल चेंजेस आते हैं। उसके बाद आप ये देखें ना कि देखें अब मैं आपको एक और मसाइल बताऊं, जो आपका डिवैल्यू तो कर दिया आपने 115 पे हम छोड़ के गए थे, आप 160 पे आ गए, ठीक है 45 रुपए आपने ऊपर लगा दिया। अब जो आपने बिजली की पेमेंट करनी है वो आपने डॉलर बेस्ड करनी है, जो कैपिटल कॉस्ट है क्योंकि डॉलर में बोरो होके प्लांट्स लगे हैं, बिल्कुल। आपने एलएनजी लेके आनी है वो डॉलर में करनी है, तो आपने जो बिजली और एलएनजी की जो 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 सेविंग्स थी वो आपने पास ऑन कर दी कंज्यूमर को, कस्टमर्स को। तो जो टेक्सटाइल मिल वाला 115 पे जो पहले बेच रहा था वो अभी 160 पे तो बेच रहा है, लेकिन उसकी बिजली को आपने 9 रुपए से 18 रुपए कर दिया, उसकी गैस को आपने 500 रुपए या 600 रुपए से 1100 रुपए कर दिया, तो उसकी वहां पे कॉस्टें डबल हो गई। अच्छा कॉटन इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से चलती है, कॉटन डबल हो गई। जो अगर आप यू नो कोई मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो डबल हो गया, जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है ज़ाहिर है महंगा हो गया ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। आपने किसको फायदा दिया, एक्सपोर्टर को आपने छोटा सा मार्जिनल फायदा दिया कि एक्सपोर्टर्स की लेस से 10% कॉस्ट इज लेबर कॉस्ट। अच्छा इस तरह आपने इंटरेस्ट रेट कर दिया 6 से 12 कर दिया, वहां तो और बढ़ गया। अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% उसकी लेबर कॉस्ट है, लेबर की 15,000 रुपए से नहीं बढ़ाई, ठीक है नहीं, अभी सुना है कि 18,000 मिनिमम वेज कर रहे हैं, 17 या 18,000 कर रहे हैं, अल्लाह करे कर दें, मेरी बात सुने, 15,000 से इन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, या मतलब फिर सूबों ने बढ़ाई, फेडरल गवर्नमेंट ने 15,000 से नहीं बढ़ाई, हम 9,000 पे आए थे, हर बजट पे हमने 1,000 रुपए बढ़ाई है, ठीक है, आपको 15,000 रुपए की लेबर कॉस्ट तो रह दी, अब आप मुझे महंगाई इधर कर दी। अच्छा तो एक्सपोर्टर का वो तो फायदा हो गया कि वो पहले अगर $150 दे रहा था तनख्वाह, अब वो $100 तनख्वाह दे रहा है, ठीक है अगर 150, तो वो आपने 10% में उसकी 0.3% कॉस्ट बढ़ा दी, तो उसकी 3% ओवरऑल कॉस्ट आपने बढ़ा दी, कम कर दी, 2% का एडवांटेज दिया, बट दैट एडवांटेज यू गेव एट द बैक ऑफ द वेरी पुअरेस्ट इन पाकिस्तान। एंड द रिजल्ट ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आई थी तो 7.5 करोड़ लोग गुर्बत पे थे 2013 में, गुर्बत की लकीर से नहीं। अब वो हमने 3-5 साल के जब लगाया तो उसके बाद हम उनको गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोगों को निकाल चुके थे, तो अब 5.5 करोड़ लोग अब भी गरीब थे, और गरीब बड़ा क्रूली डिफाइंड है, मैं आई वुड से दिस इज द ओनली वर्ड आई कैन यूज अबाउट दिस, कि ये कुछ न्यूट्रिशन गिनते हैं कि कितना न्यूट्रिशन मिल गया, कि 18,000 रुपए पर मंथ फॉर अ फैमिली ऑफ सिक्स, इफ यू आर बिलो 18,000 रुपीज पर मंथ फॉर अ फैमिली ऑफ सिक्स यू आर कंसिडर्ड पुअर, इवन इफ यू हैव एन इनकम ऑफ 19,000 रुपीज फॉर अ फैमिली ऑफ सिक्स यू आर नॉट कंसिडर्ड पुअर इन पाकिस्तान, ठीक है किसी अनबिलीवेबल डेफिनेशन, दिस किसी अच्छा। और ये इनको क्योंकि इनको समझ नहीं है कि पुअर लोगों की फूड चॉइसेस भी क्या होती हैं, ये समझते हैं कि 75 मिलियन लोग इस डेफिनेशन से अंडर पॉवर्टी हैं पाकिस्तान में, 75 मिलियन 2013 में थे, 2013 में 55 मिलियन हो गए, आज 2018 में 2020 में वापस 55 हो गए, वो जो 2 करोड़ लोग हमने लिफ्ट करे थे पॉवर्टी के बाहर वो इमरान खान साहब वापस ले आए पॉवर्टी में, स्पेशली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन। तो ये आपने कराए, और ये आप 19,000 रुपए की बात कर रहे हैं, 18,500 रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप अस्यूम कर रहे हैं, क्योंकि देख मिसाल के तौर पर कि बाजरा है उसमें जो कैलोरीज होती हैं पर किलो बड़ा सस्ता होता है, वीट में महंगी होती है, राइस में उससे भी महंगी होती है, तो यू आर अस्यूमिंग कि यार बाजरा खा लेगा वो, और अजीब अजीब असम्प्शन के बाद 18,500 का नंबर लिया। जी तो इसमें ये बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करे और वहां पे टैक्स इंप्लीमेंट करे, उस टैक्स रेवेन्यू से कोई सब्सिडीज नहीं क्रिएट कर सकते जहां पे ये 75 मिलियन जो गरीब लोग हैं उनको कोई खाना पीना मतलब एटलीस्ट प्रोवाइड किया जाए बेसिक लेवल पे। 75 मिलियन लोगों में ज्यादातर गरीब लोग जो है वो रूरल एरियाज में ही रह रहे हैं, ठीक है,
और एग्रीकल्चर पाकिस्तान में सबसे गलत बात अगर आप करेंगे ना कोई दुनिया में, तो एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे। मैं उस पर, मैं तो देखिए मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी गांव कोर्ट से, जिंदगी भर शहर में रहा हूँ, लेकिन आई नोइंग द FBR द वे आई डू, द नोइंग द सेल्स टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स रेवेन्यू बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू इन द प्रोविंसेस द लिटिल दैट आई डू, एग्रीकल्चर टैक्स इज अ रियली बैड आइडिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आप लैंड पे टैक्स लगा दें, एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग पे भी और अर्बन लैंड होल्डिंग पे भी। ये एम्प्टी स्पेकुलेशन जो लैंड में पाकिस्तान में होती है, और जितना महंगा लैंड है पाकिस्तान में, कराची की साइट में 25 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए एकड़ है इंडस्ट्रियल लैंड, दुनिया में कहीं इतना महंगा नहीं होगा। आप इसके ऊपर जो अनयूज पाकिस्तान में लैंड है उसके ऊपर टैक्स लगा दें, एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर आप, वेदर फेडरल गवर्नमेंट ले रही है या सूबे की हुकूमत ले रही है, जो भी उस पर बहस में ना पड़े, लेकिन वो भी फेडरल गवर्नमेंट ले तो उसमें कोई अर्ज नहीं है, तो ऊपर भी आप टैक्स लगा दें कि लैंड जितना है उस पर हम टैक्स लेंगे, ठीक है, मतलब यू नो, और आप पूरे और एक एक लैंड को डिफाइन ना करेंगे। जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स होता है कि मेरे घर पे आके बोला तुम्हारे यहाँ 1.5 लाख टैक्स है, मेरे नेबर पे घर पे जाके बोला तुम्हारे यहाँ 1.25 लाख टैक्स है, तो वो फिर आपस में, लेकिन यहाँ पे तो फिर आप होल्डिंग्स पीनलाइज करेंगे ना, जिसकी सबसे बड़ी होल्डिंग है उसकी सबसे बड़ा टैक्स बिल है, तो होल्डिंग इंसेंटिवाइज नहीं है कि लार्ज होल्डिंग्स रखें, फिर जिसकी सबसे बड़ी होल्डिंग है उसके पास सबसे ज्यादा वसाइल भी है ना टैक्स देने के, मतलब आप ये ना करें कि 10 एकड़ है तो 100 रुपए पर एकड़, 20 एकड़ है तो 200 रुपए एकड़, वो ना करें, आप फ्लैट टैक्स लगा दें पहले 6-8-10 एकड़ छोड़ दें, कि 10 एकड़ का फार्मर है बेचारा, वो साल के 10 लाख रुपए कमा लेगा, 1 लाख रुपए कमाता है महीने के, उसको छोड़ दो, या 8 एकड़ छोड़ दो कम से कम, उसके ऊपर जिसकी जितनी लैंड होल्डिंग है उस पर आप टैक्स लगा दें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम फिर बेनामी का आ सकता है कि भाई वो डिवाइड ही करते हैं अपनी होल्डिंग्स इन 100 फार्मर्स और फिर किसी को टैक्स ना दें। मेरे भाई ये इंसान सिस्टम बना रहे हैं ना, अल्लाह और फरिश्ते तो सिस्टम नहीं बना रहे, इसमें परफेक्ट चीजें तो कोई भी नहीं होती है, ठीक है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। मतलब जकात के अंदर भी जो लोग हैं ना वो बोलते हैं सोने पे जकात है लेकिन हीरे पे नहीं है, क्योंकि वो पत्थर है तो लोग हीरे खरीद लेते हैं, उसका क्या करें, ठीक है, मतलब लोग बेईमानी कर लेते हैं इंसान के टैक्स, मगर अगर लेकिन इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे देखें, मैं आपको बताऊं फैजान साहब, इनकम टैक्स तो ना सिर्फ ना लगाना चाहिए एग्रीकल्चर पे, लेकिन आपको पाकिस्तानी फार्मर की मदद करना जरूरी है। ये मुल्क कभी भी अमीर नहीं होगा, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा जब तक कि आपका फार्मर तरक्की नहीं करेगा। जब फार्मर आप भूखा नंगा हो ना, पेट ना भरा हुआ हो, तो ये देखें मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज आई थिंक 50% लेस देन चाइना, में भी 25-30% लेस देन इंडिया, ठीक है, अगर 25-26 मिलियन टन वीट ग्रो करते हैं तो उतने लैंड के अंदर वो लोग, और उतने फर्टिलाइजर के अंदर वो लोग कोई 40-50 मिलियन टन कर लेते हैं, तो आपका जो वीट है वो हमेशा महंगा होगा इंटरनेशनल मार्केट से, आपका जो शुगरकेन है, आपका जो कॉटन है महंगा होगा। व्हाट यू रियली नीड टू डू इज टू रेज फार्म आउटपुट्स, यू गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली सब्सिडाइज एंड गिव देम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, कम अप विद अ प्रोग्राम। मैं जब वजीर था तो मैं तो जिप्सम के भी पैसे दिए थे कि जिप्सम मिलाते हो तो लैंड में बढ़ जाता है लैंड प्रोडक्टिविटी, पैसे दो थोड़े से फार्मर्स को, थोड़ा बहुत स्पिलेज होता है कोई बात नहीं होने दो, एंड इवेंचुअली व्हाट वी नीड टू डू एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू मूव देम टू ड्रिप एग्रीकल्चर। देखिए 95% पानी जो पाकिस्तान के अंदर है, 1,40,000 या 45,000 मिलियन एकड़ फिट पानी हम साल में इस्तेमाल करते हैं, इसमें से 95% पानी जो है ये चले जाता है एग्रीकल्चर में, और सिर्फ 5% पानी जो है वो पूरे पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए और इंडस्ट्री के अंदर, ये सिर्फ 5% पानी है। तो 5% पानी आपकी 80% GDP ऐड कर रहा है और 95% पानी आपका 5% ऐड कर रहा है, लेकिन आपने फार्मर्स को इतना गरीब छोड़ा कि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, तो आपने एग्रीकल्चर पे भी जाना है। लेकिन आपने सबसे पहले पूरा एशिया जो अमीर हुआ है ना वो फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है उसने, जो सरप्लस निकला है उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाला है, हम फार्म प्रोडक्टिविटी को भी कम रखा है, सरप्लस उधर है ही नहीं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं, हम बोलते हैं अच्छा इंपोर्ट कर लो यार। तो मतलब तो ये जो लैंड टैक्स की बात की आपने फार्म साइड पे, लैंड टैक्स की जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी से ये सब्सिडी क्रिएट की जा सकती है, एंड इट कैन बी ए सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल। एक मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत कम पैसों, कसम से देखिए मैं आपको बताऊँ, हम बहुत लंबी सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को, एंग्रो है, फातिमा है, फौजी फर्टिलाइजर है, हम पता नहीं 60 रुपए और 100 रुपए की गैस दे रहे होते हैं 120 रुपए की, जिस गैस की मार्केट वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट हुकूमत को 1100 रुपए पड़ रही होती है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनको सस्ती गैस देंगे तो सस्ता फर्टिलाइजर बेच रहे हैं।
ये एक्सपेक्टेशन जो है ना वो आज के दिन में मेरे ख्याल से वैलिड एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमको ये सब्सिडियां बंद कर देनी चाहिए, डायरेक्ट अगर सब्सिडी देनी हो, मैं तो इस बात की इतनी सब्सिडी में इस सब्सिडी से नुकसान क्यों है, तो फिर भी फार्मर को तो सस्ती फर्टिलाइजर मिल रही है। इतनी सस्ती नहीं मिल रही ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे जो है वो कंपनी रख रही है ना यार, 5 कंपनियां हैं, पाकिस्तान है, मतलब तो थोड़ा सा सोच लो कि क्या होता होगा। ठीक है, मैं खुदा ना खास्ता किसी पे एक्सक्यूज कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कुछ मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी दें, और आप फर्टिलाइजर जो दो जो है आप जिप्सम थोड़ा सा दे दें आप, लेकिन फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू इम्प्रूव द सीड्स इन पाकिस्तान। मतलब आपने बीमार सीड्स रखे हैं, वीक सीड्स रखे हैं, सीड पे कोई हमारे चाइना से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर चाइना इज 50% बेटर यील्ड इन फार्मिंग तो वहां से क्यों नहीं हम पार्टनरशिप करके लें, इतने अच्छे ताल्लुकात तो चाइना से हैं हमारे। अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं, अब तो हम चाइना को रोज आके दिखाते हैं, चाइना को ये अमेरिका से मांग ले, वो भी हमारा एक दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, वो पता नहीं कितना दोस्त है। तो सही है वो भी, तो इसमें अगर इसमें मुझे बताएं तो अगर बजट में, आई मीन यू सीम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फार्म टॉपिक, तो इफ द करंट बजट में इफ यू हैड टू पिक वन थिंग कि यार ये एक चीज होनी चाहिए जिस पे प्लीज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फोकस करके ये ले आए, वुड इट बी द फार्म, सॉरी द लैंड टैक्स, फार्म सब्सिडी, और इज इट समथिंग एल्स? लाइक मैं सच्ची बात, अभी देखिए फार्म के ऊपर जो टैक्स होता है वो सूबे लगाते हैं, लैंड के ऊपर जैसे प्रॉपर्टी टैक्स भी सूबों के ऊपर, अभी उस पर इतना लंबे बहस ना करें, मतलब मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा आपने सूबों को कहें या खुद कहें कि यार भाई अच्छे सीड्स कर लो, थोड़ी सी एग्रीकल्चर रिसर्च कर लो। मसला ये कि जो सीड चाइना में चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि फैसलाबाद में चले, उसके लिए आपको फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बोलना है तुम रिसर्च करो। जो चावल फ्रीनो मनेला में चलता है वो जरूरी नहीं है कि मतलब यू नो सखर में चले, तो उसकी थोड़ी सी अपनी इंडिजिनस रिसर्च भी कर लेना। हमने भी, अल्लाह ने हमको भी दिमाग दिया है पाकिस्तानियों को, वो और बात है कि हम इस्तेमाल नहीं करते माशाल्लाह से, या तो बार बार अल्लाह ने है ना, तो थोड़ी सी हम भी रिसर्च कर लें, एक दो साल लगेगी सोल्यूशन। ठीक है, But मतलब I seriously if I were to make these budget proposals and it's well no but one thing, what is the one thing you would want to see in this budget, मतलब yeah your dream wish कि ये हो जाए, I think you know चीजें बेहतर ट्रैक पे आ जाएंगी। वो तो मुझे यही कहना चाहिए कि सेल टैक्स की एग्जेम्पशन हो जाए बिस्किट और कन्फेक्शनरी के ऊपर। ये फिर आपने सही बात कर दी। नहीं मैं seriously बताऊं, देखिए एक चीज जो हम बहुत गलत कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट्स कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत ने 8.5% बजट डेफिसिट 3 सालों में किया है। व्हाट आई वुड रियली लाइक फॉर अस टू सी इज के द बजट डेफिसिट इज नॉट मोर देन 6%। ये पहले बजट डेफिसिट कंट्रोल करें, ये पूरे पाकिस्तानियों को इन्होंने 50% ज्यादा मकरूज कर दिया इन द लास्ट 3 ईयर्स, तो ये थोड़ा सा अपने आप हमको जो मकरूज करा हुआ है वो कम करें। एक चीज बताना बड़ा मुश्किल है। नंबर टू जो मैंने कहा कि सूबों की हुकूमत करे, सूबे जो हैं वो थोड़ा सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं लेकिन एजुकेशन को हम ज़ाया करते हैं पैसे को, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। सिंध हुकूमत के अंदर मिसाल के तौर पर एक एक बिल्डिंग में 6-6 स्कूलें हैं, एक बिल्डिंग है खातून पाकिस्तान स्कूल थी उसके अंदर 7 स्कूलें, 7 स्कूल इसलिए थी कि 7 प्रिंसिपल्स की नौकरियाँ हों। मतलब आपने ये मतलब स्कूलों को नौकरियों का सिस्टम बना दिया है, टीचरों को आप मेरिट पे नहीं रख रहे, मतलब ये छोटी छोटी बिल्डिंगों में 4-4, 5-5, 6-6 स्कूलों के तक 6-6 प्रिंसिपल्स की नौकरियां हो, मतलब ये किस तरह करती है 3-3 क्लासरूम के एक एक स्कूल बनाएंगे। तो मतलब देखिए अगर लॉन्ग टर्म जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊँ दुनिया भी अमीर हुई है पाकिस्तान भी उसी तरह अमीर होगा, या लोग पढ़े लिखे हों और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के लिए मैं समझता हूँ कि फार्म प्रोडक्टिविटी इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, वेयर प्रोविंसेस हैव टू स्पेंड मनी ऑन सीड्स, सीड टेक्नोलॉजी and spending money on improving agriculture yields. But the government doesn't do just one thing. Wo government ke paas agar 7 lakh log federal government ke paas hain aur pata nahi koi 20 25 lakh log sube ki hukumat ke paas hain to ek kaam to nahi karte na, har kaam karna hai aapne, education pe bhi tawajjuh deni hai bachchon ke. aap wo bacche pashto jo bolte hain Khyber Pakhtunkhwa mein unko aap urdu mein padha rahe hain, usko urdu samajh mein nahi aa rahi, मतलब सिंध के अंदर बच्चे सिस्टम जो है कोहेसिव तरीके से नहीं चल रहा है, कोहेसिव सिस्टम नहीं है। हम बच्चों के 8-8 साल जाया कर रहे हैं, आप नवी जमात के बच्चों से जाके बेसिक मैथ पूछ लीजिए, बेसिक साइंस पूछ लीजिए, बेसिक लैंग्वेज पूछ लीजिए,
अगर नवी जमात का बच्चा दो एक सेंटेंस बायोलॉजी का नहीं लिख सकता है सही, तो कहीं ना कहीं तो हमने गलती करी है ना, 9 साल उसके ज़ाया करें और जो पूरे टीचर्स पंखे स्कूल के स्कूल की इमारतें ज़ाया कर दी, फिर वो बच्चा जो बढ़ता है उसके बाद फिर जो वो प्रोडक्टिविटी उसी इसकी नहीं होती। तो अगर एज मिनहासुल कौम अगर हम कोई चीज़ करें तो मैं समझता हूँ तालीम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, लेकिन फॉर नाउ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। इसमें आई जस्ट स्टार्ट वाइंडिंग इट अप, इतने सारे आपने मसले लिस्ट कर दिए, मतलब आई हैव ओनली हर्ड इश्यूज एंड इश्यूज एंड इश्यूज। अच्छा खासा आप प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए थे, क्या जरूरत थी इन इश्यूज में अपने आप को उलझाने की, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ जो इश्यूज आपके आपको फेस करने पड़े, मतलब व्हाट वाज द नीड फॉर दिस, व्हाई डिड यू डिसाइड टू टेक दिस जंप? बिकॉज कोई और तो नहीं करेगा ना, कौन करेगा और, मेरा ही मुल्क है ना, आपका ही मुल्क है ना, कोई और तो नहीं आएगा, मतलब बाहर से आके लोग करके गए वो इतना अच्छा तो नहीं करेगा कि वो लेकिन इतना बैरियर बन जाता है ना, आपको हम देखते हैं और फिर जो मसले मसाइल आते हैं सियासी जिंदगी के, मतलब जो यंग लोग हैं एस्पायर कर रहे हैं यार छोड़ के बिजनेस या पॉलिटिक्स में एंटर, वो पे कहते हैं हम क्यों जाएं, व्हाई शुड वी बॉदर, किसी के भाई कोई और किसी ने तो करना है ना, तो आप लोग कर लें, मतलब ये नहीं। अगर देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि यू कैन लाइट अ कैंडल और कर्स द डार्कनेस, हमारे सियासत में ठीक है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे काबिल लोग बच्चे नहीं आते, हाँ ये ट्विटर पर जाके ट्वीट करके किसी पीटीआई के लीडर को या मुस्लिम लीग लीडर को गाली देना इज नॉट सियासत में एक्टिविटी, ठीक है। पॉलिसियों को समझें, पॉलिसीज क्या होती हैं उसको समझें, उसको समझ के वो मतलब ये ना, अभी से बच्चे जो है ना बहुत सारे वो वन साइडेड हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, वो जिसको जो पीटीआई वाला बच्चा होता है वो पीटीआई चीज़ें सोच रहा होता है, जो पीपल्स पार्टी वाला बच्चा होता है वो उनकी चीज़ें सोच रहा होता है, जो हमारे साथी होते हैं हमारे साथ जो बच्चे होते हैं वो हमारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। Nobody is a repository of evil, but nobody is a repository or fountainhead of all good things. ठीक है, सबकी गलतियाँ होती हैं, सब में मसाइल होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ खासतौर पर ख्वातीन नहीं आएंगी आगे तो कौन आएगा, मतलब फिर देखिए ना, या तो ओवरसीज पाकिस्तानी कभी कभार आ जाते हैं, वो थोड़े दिनों के लिए आते हैं ब्रीफ केस लेकर वो काम कर जाते हैं, लेकिन वो भी ठीक है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मगर उनको पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होता। अगर मैं थोड़ा सा शायद सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर था या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था तो दैट्स बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टूड पाकिस्तान, 20-25 साल मैंने इधर काम करा हुआ था, बिजनेस करा हुआ था, एक सक्सेसफुल बिजनेस था मेरा, तो मुझे पता थी कि क्या क्या मसाइल आते हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि सर बिजली के क्या मसले हैं, सेल टैक्स की ऑडिट के क्या मसले हैं, यू नो वाला फला चीज़ों के क्या मसले हैं, तो वो एक तो आपको करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, मतलब हिंदुस्तान से आएगा कोई करने के लिए, मतलब ये चीन से आएगा, मतलब आपका मुल्क करो, सो कोई ऐसा मसला नहीं होता, सियासत इज अ गुड प्रोफेशन, आई थिंक इट्स एन ऑनरेबल प्रोफेशन, और कोई ऐसा मसला नहीं होता। जितने भी देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि टीवी पे जो हम लोग थोड़ी सी बहस मुबाहिसा भी करते हैं, जब आपस में मिलते हैं पीटीआई के दोस्त भी और पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, तो वी आर वेरी पोलाइट टू ईच अदर, वी आर वेरी नाइस, टीवी पे तो कुछ और नजर आता है, टीवी पे वो एक बहस हो रही होती है, वो भी जेन्युइन बहस होती है, कोई आर्टिफिशियल बहस नहीं होती, लेकिन यू नो वी आर पोलाइट गुड पीपल, ऐसा कोई उसमें वो मतलब नहीं है, एंड आई थिंक लोगों को आना चाहिए। ये खान साहब ने जो अभी जो ये जो करा हुआ है ना, ये रेट्रीब्यूशन भी नहीं बल्कि वेंजेंस और ये विक्टिमाइजेशन कि मुझको पकड़ के डाल दिया और इसको पकड़ के डाल दिया और जो बातें कर रहा है जिनको बातें पसंद नहीं है उसको बना के चोर बना दिया और अपने आप को खुद पारसा बनाते हैं और अपने जितने साथी जो चोरी करते हैं उनको माफ कर रहे हैं, ये एक चीज गलत है, ये थोड़ा सा उससे हटके कर दिया है खान साहब ने। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मैं तो अभी कभी कभी हमारे दोस्त बोलते हैं कि हम आएंगे तो इनको नहीं छोड़ेंगे, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, ये रिवायत तो नहीं चलना है, हम आएंगे, कोई किसी को जबरदस्ती पकड़ के आपने गलत बात पे बंद नहीं करना है, मतलब आपने कोई गलती करी है किसी ने, मतलब चोरी कर बिल्कुल, बट वेंजफुलनेस वेंजेंस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी एंड इंशाल्लाह इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी। डू यू सी अ फ्यूचर, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, डू यू सी अ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान वेयर वन डे हमें 5 रुपए में 10 कोकोमो मिलेंगे, 5 रुपए में 1 मिलेगा? देखिए पहले तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा, करेंसी को रीवैल्यू करना पड़ेगा, आटा सस्ता करना पड़ेगा, चीनी सस्ती करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम रखने पड़ेंगे, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो कोकोमो 5 रुपए में 10, देखें 5 रुपए में 10 तो कभी भी निकलेगा। मैं जब था, देखें इस तरह देखें, जब मैं चलाता था तो
बता दे 3 रुपए में 6 थे, 6 या 7 मुझे याद नहीं है, 3 रुपए में 6 7 होते थे। अब मेरा भतीजा चलाता है हामिद, तो वो उसने 5 रुपए में 4 करे हुए, और मैं रोज लड़ाई करता हूँ उससे कि यार भाई खुदा का वास्ता है कुछ मेरी खातिर उससे कहें कि थोड़ा चॉकलेट भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। बता रहा हूँ कि 2.2 ग्राम का चॉकलेट था, 1. बिस्किट था, 1.1 ग्राम चॉकलेट जाती थी, मेरे जमाने में 3.3 ग्राम का टोटल बिस्किट था। इसने कुछ चेंज कराया और उसने कुछ पिन के हेड्स बढ़वाए, वो बड़ी मुश्किल है, ज्यादा चॉकलेट इंजेक्ट करना भी मुश्किल है क्योंकि टाइप बहुत कम होता है, बिस्किट तेजी से चल रहा होता है। पूरे पाकिस्तान अगर ये कोकोमो जाता है, सो यू कैन इमेजिन के कितना बिस्किट बिकता होगा। मैं आपको ऐसा एक नंबर देता हूँ कि कितना कितने कोकोमो बिकते हैं महीने के, 6,48,00,000 पैकेट बिकते हैं इंटू 4, 25,92,00,000 पैकेट महीने के कम से कम बिकते हैं, बिस्किट बिकते हैं 25,92,00,000 कोकोमो। दो अलग अलग लोकेशन में बनता है, हब में भी बनता है, पोर्ट कासिम में भी बनता है। आपको फोकस ही करना चाहिए कि एक दिन ऐसा है कि 5 रुपए में 10 कोकोमो हमें पाकिस्तान में मिले, इसका मतलब पाकिस्तान ट्रूली राइट पाथ पे होगा, बिजली भी सस्ती होगी, इनपुट भी सस्ते होंगे, आप इसको अफोर्ड भी कर सकेंगे क्योंकि टैक्सेस सब दे रहे हैं। सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, सीरियस नहीं, गिवन टुडेज महंगाई, आज की जो महंगाई, चूंकि मैं जहां से इलेक्शन लड़ा था ना ये बल्दिया से, उधर मैं दिमाग से जाके डिप्रेस हो गया, मैं कसम खुदा की डिप्रेस हो गया कि हमारे भाई हैं पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यूएम वाले, लेकिन जो हाल किया है उन्होंने, पानी पूरे एरिया में नहीं देते, और यहाँ पे चले डिफेंस में अगर पानी नहीं देते तो डिफेंस में लोगों के पास एबिलिटी है खरीदने की, वो बल्दिया में बेचारे यू नो ड्राइवर्स एंड मासीज और वो लोग रहते हैं, मतलब बल्दिया नहीं सॉरी इतिहाद टाउन में, उनके पास खरीदने की एबिलिटी भी नहीं है। तो बल्दिया जो इलाका था वो तो फिर भी कदरे बेहतर था, दूसरा इलाका बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मुश्किल हालत में रहते हैं लोग, और हमने उनको पानी दिया हुआ, और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एरिया था तो महाजर्स एंड पख्तून जो तो महाजर्स एंड पंजाबीज आर वेल ऑफ, हज़ारावाल बीच में, और पख्तून आर द पुअरेस्ट ऑफ द लॉट, सो आई मीन हमने बड़ी जुल्म करा, ज्यादती करी हुई रियली पश्तूनों पे। तो खैर बट कमिंग बैक टू दिस, आई एम वाज थिंकिंग कि गिवन दिस प्राइस लेवल, अगर मिनिमम वेज जो जो आजकल एक ड्राइवर 30,000 रुपये कमाता है, अगर उसको 1,00,000 रुपये तनख्वाह हो जाए ना आज के हिसाब से, और लेकिन इन्फ्लेशन वही हो कि आज भी 5 रुपये में 4 कोकोमो मिले, अब कोकोमो 10 रुपये का ना हो जाए 5 रुपये कह रहे, आटा जो है वो अब 75 का है तो 75 का रहे, चीनी 110 की है तो 110 की रहे, लेकिन तनख्वाह अगर जो है वो 30,000 रुपये जो अगर एक थोड़ी सी स्किल्ड वाले को मिले, उसको 1,00,000 रुपये मिले, अ लॉट ऑफ आर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो द गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड जस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रियल वेजेस बढ़नी चाहिए, रियल वेजेस जो है वो बढ़नी रही है, दिस इज वॉट वी नीड टू डू, फॉर दैट वी नीड टू हैव जीडीपी ग्रोथ एंड स्लाइटली कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें करनी थी जो मुस्लिम लीग नून ने और इसहाक डार ने करके दिखाया सीरियसली, कि ग्रोथ भी आहिस्ते आहिस्ते हो रही थी और इन्फ्लेशन लो रखा था, फूड इन्फ्लेशन लो रखा था, इनको ये बात समझ में नहीं आई है, इन दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। This is good insight, and on that note, I just want to say thank you for the time. अच्छा रहा आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करने में, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने फार्म साइड पे इतना इंटरेस्ट दिखाया हुआ है और फोकस किया हुआ है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू वंस अगेन, इंशाल्लाह होपफुली द बजट दैट कम्स आउट इज बेनिफिशियल टू ऑल एंड वी ऑल कैन वन डे सी एंड वर्क टुवर्ड्स अ पाकिस्तान वेयर वी हैव 10 कोकोमोस फॉर 5 रुपीस। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, बाय-बाय।